हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। डॉम ये एक ब्राजीलियन सीरीज है जो कि इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें रियल लाइफ में हो चुकी है। खैर, शो में टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 53 मिनट से लेकर 1 आवर 6 मिनट के, और ये हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। खैर, शो की कहानी सेट है ब्राज़ील रियो में, जहाँ पर हमें नज़र आते हैं विक्टर डेंटिस, जो कि एक सिविल पुलिस ऑफिसर है। विक्टर ने अपनी पूरी ज़िंदगी बस एक ही काम में लगा दी कि कैसे भी ड्रग डीलर्स को पकड़ा जा सके और कोकेन का कारोबार ब्राज़ील में ना फैले। लेकिन वही दूसरी तरफ विक्टर के बेटे पेड्रो, जो कि विक्टर से बिल्कुल भी अपोजिट है, कैसे पेड्रो बचपन से ड्रग एडिक्ट बना और बड़े होने के बाद वो कैसे रॉबर बना, बस बेसिकली यही हमें इस शो में देखने को मिलता है। शो के कॉन्सेप्ट की बात करो तो एकदम टिपिकल बॉलीवुड वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब आप लोग इस शो को देखो तो ऐसा लगता है कहीं ना कि हम लोग कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। जो मैं आपको बहुत सारी जगह पे कन्फ्यूजन फील हो सकती है, यानी कि यहाँ पर विक्टर ने अपनी जवानी में क्या कुछ चीज़ें की थी वो भी हमें देखने को मिलता, प्लस पेड्रो की प्रेजेंट लाइफ में क्या कुछ चल रहा, उसने अपने बचपन में क्या कुछ किया था, किस तरह से वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में, यानी कि यहाँ पर आपको सीधी कहानी देखने को नहीं मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट में चीज़ें चलती रहती, तो इस वजह से जो हिंदी ऑडियंस है वो लोग इस मैटर में थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़े। खैर, अगर शो में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही डिटेलिंग में लिखा है, चाहे वो विक्टर हो, पेड्रो हो, लॉरा हो, लीगो हो, हर एक कैरेक्टर के बारे में हमें काफ़ी कुछ चीज़ पता चलती है, जिससे हम लोग इजीली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा शो में आपको कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सीरीज़ पूरी तरह से वॉचेबल है। अब इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, शो की सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो यार लोकेशंस बहुत बढ़िया है, और ब्राज़ील में तो आपको पता है कि इतने खूबसूरत खूबसूरत बीचेस हैं, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर इस शो में फील कर पाते हो। शो का बीजीएम बहुत कड़क है, क्योंकि यहाँ पर 1970 से लेकर 2000 के बीच का एरा बताया, तो उस वक्त जिस तरह से म्यूजिक्स होते थे बिल्कुल वही म्यूज़िक आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है, तो एक अलग एहसास होता है। और आजकल के एटलीस्ट जितने भी जो फालतू के म्यूज़िक थे उससे तो कई बेटर पुराने म्यूज़िक थे, जो कि आपको इस शो में सुनकर अच्छा लगेगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस शो अलग ही लेवल पर चले जाता है। उसके अलावा शो की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो राइटर से वो क्राइम को एकदम ग्लैमरस वे में प्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि अगर आपको कम वक्त में पैसा कमाना तो इजीली क्राइम करो, क्राइम में बहुत ज़्यादा पैसे, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जब इस शो को देखेगी तो उनके माइंड में कुछ गलत इंटेंशन भी आ सकते हैं। उसके अलावा शो में अगर नेगेटिविटी की बात करूँ तो भर भर के यहाँ पर एडल्ट सीन डाले, एडल्ट सीन इतने गंदे हैं कि ऐसा लग रहा था कि उस वक्त, यानी कि उस पोर्शन में जो कैमरामैन था वो लिटरली पोर्न डायरेक्टर लग रहा था मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो किसी पोर्न मूवी से कम नहीं है यार क्या बोलूँ यार तुम लोगों को। उसके अलावा शो की जो दूसरी मेजर नेगेटिविटी है वो है इसकी लेंथ। भाई हर एक एपिसोड 1-1 घंटे के, हालांकि मैं मानता हूँ कि वेब सीरीज़ और मूवीज़ में अंतर होता है, लेकिन ये शो इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है एक मोमेंट पे कि आपको बोरियत फील होती है, और लिटरली आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है जब आप इस पूरे शो को देख लोगे कि अगर इसको 6 एपिसोड में बनाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, यानी कि एटलीस्ट हमारे 2 घंटे इजीली शो में बच सकते थे, जो कि नहीं बचे अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद शो कंप्लीट हो गया, यानी कहानी कंप्लीट हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि इसका सीज़न 2 बनाना चाहिए, कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अगर ये शो चलता है तो शायद मेकर्स इसका सीज़न 2 बनाएंगे, लेकिन मेरी साइड से तो कोई भी ज़रूरत है नहीं यार। ये फैमिली के साथ तो मत देखना, मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। अगर आप लोग एक फास्ट पे शो देखना पसंद करते तो ये शो आपको लिटरली बोर करेगा, लेकिन अगर आपको एक रियल लाइफ इवेंट पे शो देखना पसंद है जिसमें आपको बॉलीवुड वाली फीलिंग आए तो डेफिनेटली ये शो को आप लोग देखो। बाकी मेरा काम था रिव्यू करना, मैंने अपना काम कर दिया। वीडियो शेयर करोगे तो मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, नहीं शेयर करोगे तो बस वही चूतियों में गिनती आएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देन बाय।